राणा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि डार साहब का जो नाम है ये पार्टी के अंदर से फ्लोट हुआ है, ये फ्लोट करके चेक किया गया है कि इतिहादियों का क्या रद्दअमल आता है, और इदारों से और मक्तदर हलकों से क्या रद्दअमल आता है, क्या इसलिए फ्लोट किया गया ये नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये नाम ना ऑफिशियली तौर पे डिस्कस हुआ जब ये निकला है, मीडिया की जीनत बनाए, तो उससे पहले ये ऑफिशियली तौर पे किसी और पार्टी की क़यादत के साथ ये नाम नहीं डिस्कस हुआ था, और ना ये ऑफिशियली तौर पे हमने फ्लोट किया है। तो ये एक, जहाँ से भी ये खबर निकली, देखिए इंटरनली तो पार्टी के अंदर हर लिहाज से डिस्कशन होती है, और यानी कि कोई भी कंसिडर किया जा सकता है, पार्टी की अपनी राय है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ऑपोजिशन लीडर से ज्यादा इत्तेहादियों को मनाना आप लोगों के लिए चैलेंज होगा, ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत करने से ज्यादा जरूरी इत्तेहादियों के साथ मुशावरत करके उनको मनाना जरूरी होगा, तो क्या ये गलत होगा? आइन के मुताबिक तो प्राइम मिनिस्टर है, आइन के मुताबिक ये तो वजीर आजम जो हैं वो समझते हैं, क्योंकि ये सफर इकट्ठे हुआ तो उनसे मुशावरत होनी चाहिए, और हम उस अमल से गुजर रहे हैं, लेकिन आइन के अंदर ये मुशावरत नहीं लिखी हुई। ये जरा पीपल्स पार्टी से बात करके देखें और ये प्रैक्टिकली करके देखें, भाई आइन में तो ये कहीं नहीं लिखा कि इत्तेहादियों से मुशावरत करनी है, उसका फिर जरा देखें कि रिएक्शन क्या आता है। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, हम तो उसके बावजूद मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको आइनी पोजिशन बता रहा हूँ, आइन के अंदर कहीं नहीं लिखा कि ये मुशावरत जरूरी है, ये तो हम खुद कर रहे हैं क्योंकि कोलिशन पार्टनर्स के साथ सफर गुजरा है, लेकिन आइन की ये रिक्वायरमेंट नहीं है। आइन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर और ऑपोजिशन लीडर अगर एक नाम पे इत्तेफाक कर लिया जाए तो वो नॉन पार्टिजन ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आपने ऑपोजिशन को भी मना लिया और हुकूमत भी जो है अभी तक तो जितने भी फैसले हुए हैं वो तो इत्तेहादियों से मुशावरत करके हुए हैं, चाहे तरमीम हो, निगरान सेटअप को इख्तियारात देने का मामला हो, या कल जो तरमीम की गई हैं, अभी तक तो इत्तेहादियों से ही हर बात पर कदम कदम पर मुशावरत हुई है, क्योंकि इत्तेहादियों की नाराजगी आप लोग मोल ले नहीं सकते। तो ये फिर ये कैसे मुमकिन होगा कि आप इस इतने बड़े प्रोसेस में निगरान वज़ीर-आज़म के नाम पर आप जो है ना अपने इत्तेहादियों को पीछे छोड़ दें? नहीं, हम पीछे नहीं छोड़ रहे, मैं तो एक आपको आईनी पोजीशन बता रहा हूँ कि वो रिक्वायर्ड नहीं है मुशावरत। आईनी पोजीशन मुझे भी पता है, लेकिन आप ग्राउंड पे सिचुएशन देखें ना कि इस वक्त हालात नॉर्मल नहीं है, एक जिस तरह एक साल पहले डेढ़ साल पहले हुकूमत आई अदम एतमाद के जरिए, तो आप देखें ना कि हुकूमत बनी कैसे, आप लोग कोई 11 पार्टियों का मजमुआ इस वक्त बैठे हुए हैं, तो सबको साथ लेकर चलना जरूरी होगा। और अगर मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है, मुझे ये बताएं कि डार साहब के नाम पर पीपल्स पार्टी से कोई मुशावरत हुई है? देखें, अभी ये जो पांच नाम है, मैं इस पोजिशन में नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊं कि वो कौन से पांच नाम है, लेकिन उन पांच नामों के ऊपर मुशावरत हो रही है। उन पांच नामों में डार साहब का नाम है, चलें ये तो बता दें, बाकी चार नाम बताएं, पांचों में डार साहब का नाम है। मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता। तो ये कितना वक्त लगेगा? दिन बिल्कुल कम है, तकरीबन 2 हफ्ते रह गए। बहुत वक्त है अभी तो, 2 हफ्ते बहुत लंबा टाइम है, ये तो आप आखिरी घंटे भी अगर इसके ऊपर आप फाइनलाइज कर लें तो वो काफी है। अच्छा, 9 अगस्त को राणा सनाउल्ला साहब ने कहा है कि हम असेंबली तहलील कर देंगे, तो इसका मतलब है वक्त से पहले आप लोग तहलील करें तो 90 रोज का सेटअप होगा, तो ये 90 रोज का सेटअप क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए, उनकी आसानी के लिए कि मौजूदा चीफ जस्टिस भी ना हो, नए चीफ जस्टिस आ चुके हों, उन्हें कैंपेन करने का टाइम भी मिल जाए, वक्त भी मिल जाए, 90 रोज इसीलिए दिए गए? अच्छा, ये विद इन 90 डेज है, तो ये लाजमी नहीं है कि 90 रोज बाद ही इलेक्शन हो, ये इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है कि वो 70वें दिन इलेक्शन कराना चाहता है या 65th डे पे इलेक्शन कराना चाहता है। तो हम वो ऑप्शन हमने दे दी इलेक्शन कमीशन को कि उसके पास 30 फालतू दिन है, उसमें से वो कोई भी डेट पिक कर सकते हैं 60 और 90 दिन के दरमियान में, जब इलेक्शन अनाउंस करने या वो समझते हैं कि उनकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, तो ये बेहतर है, सब लोगों को पूरे पाकिस्तान में कैंपेन होनी है, सबको टाइम मिल जाएगा, एक अच्छी कैंपेन जो है वो पूरे लेकिन पाकिस्तान। जिस तरह निगरान वज़ीर-आज़म को इख्तियारात दिए गए हैं, कानून साजी की गई है,
तो उससे तो एक तासुर लग रहा है कि ये सेटअप लंबा चलने वाला है, क्योंकि आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं था कि इस तासुर को इस तरीके से भी आप लोग ज़ाहिल कर सकते थे कि ये जो तरमीम की गई हैं ये आप 90 रोज़ के लिए कर देते, और कहते हैं कि 90 रोज़ में ये अगर मुल्की मुआशी हालात के लिए एक मजबूत निगरान वज़ीर आज़म का होना इतना ज़रूरी है तो हम 90 रोज़ के लिए कर रहे हैं, बाद में तो एक मुंतखब हुकूमत आ जाएगी, वो तो मामूल के मुताबिक फिर मामला चलने ही चलने हैं। लेकिन इससे ये तासुर बढ़ गया है कि जो निगरान वज़ीर आज़म को इतना ज़्यादा मजबूत किया है, आपके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं कि ये आयन में तरमीम ये आयन के कत्ल के मुतरादिफ है। देखें, ये बड़ी अच्छी आपने तजवीज दी है, अगर ये पहले आ जाती तो शायद इसमें हम शामिल कर लेते, लेकिन इतने बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए आप लोगों के पास, मेरी तजवीज की जरूरत थी आप लोगों को। नहीं, लेकिन मैं इसमें अगर मैं ऐड करूं तो देखें, अगर मल्टीलैटरल्स या बायलैटरल्स के ऊपर कोई इकोनॉमिक फैसला जो है निगरान हुकूमत करने की जिसको इजाजत दे दी गई है, तो उससे इसको ये इजाजत तो नहीं दी कि वो इलेक्शन कमीशन की डेट को जो है वो रद्द कर दे। तो फाइनेंशियल पावर देने से आप कोई इख्तियार नहीं दे रहे केयर टेकर हुकूमत को कि वो इलेक्शन को डिले कर सके। फाइनेंशियल पावर के इख्तियारात देने पर बात नहीं कर, वो तो आपने दे दिए, लेकिन उसमें टाइम का नहीं बताया गया, वो तो बिल्कुल आपने दे दिए ना कि ये सेटअप साल भी चल सकता है, 2 साल भी चल सकता है, क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात हैं। अगर ये इख्तियारात 90 रोज़ के लिए होते तो ये तासुर भी ज़ायल हो जाता कि आप लोग इस सेटअप को लंबा लेकर चलना चाहते हैं, फिर डार साहब का नाम फ्लोट हुआ जिससे तासुर और ज़्यादा मजबूत हो गया। नहीं, मैं फिर रिपीट करूंगा, देखें, फाइनेंशियल पावर्स देने से आप केयर टेकर सेटअप को आप एम्पावर नहीं कर रहे कि वो इलेक्शन कमीशन की डेट को रद्द कर दें, इसका कोई लिंक नहीं है आपस में, कोई इख्तियार नहीं है। देखें, आईन के मुताबिक अगर डेट अनाउंस होगी और केयर टेकर हुकूमत को उसको फैसिलिटेट करना है उस डेट को, कोई इख्तियार ऐसा नहीं मौजूद केयर टेकर निज़ाम के साथ के पास कि वो उस डेट को रद्द कर सके या डिले कर सके। मेरा तो यही अंडरस्टैंडिंग है, और फाइनेंशियल पावर्स बिल्कुल देना बनते हैं, क्योंकि ये एक 24 करोड़ का ये मुल्क है, और आप 90 दिन के लिए जो है वो ड्राइवर को ये कहें कि अगर कहीं जो है टर्न आ जाए तो वो गाड़ी मोड़ नहीं सकता और वो गाड़ी सीधा लेके सड़क से गाड़ी को उतार दे और नुकसान कर दे, तो उसका फायदा नहीं है। 75 सालों से मैशियत का यही हाल है, इससे पहले तो निगरान सेटअप को इस तरह कभी इख्तियारात नहीं दिए गए। नहीं, निगरान सेटअप वैसे भी इतना कोई पुराना फिनोमेना नहीं है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है कि आप उसको गाड़ी को मोड़ने की एबिलिटी दे रहे हैं कि टर्न आए तो गाड़ी मुड़ जाए और एक्सीडेंट ना हो जाए, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। इससे ये कोई इख्तियार ऐसा नहीं मिला हुकूमत को, निगरान हुकूमत को, कि वो इलेक्शन को मुलतवी कर सके या डिले कर सके। मरीम नवाज़ साहब आजकल इतनी खामोश हैं, वो एक्टिव नहीं हैं, ना TV पे उस तरीके से नज़र आ रही हैं, ना निगरान सेटअप के हवाले से बातचीत, जो तरमीम हो रही हैं, कानून साजी, बिल्कुल खामोश हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, मरीम नवाज साहिबा जब गई थी दुबई, उससे पहले भरपूर एक्टिविटीज़ वो कर रही थी तंजीमी, एज अ चीफ कोऑर्डिनेटर PMLN। ओवरऑल हमारी जो तंजीम है, चाहे वो ख्वातीन की हो, प्रोफेशनल विंग हो, वो रीवैम्प हो रही है, और वो डेली के हिसाब से मीटिंग्स ले रही थी जाने से पहले। अभी वो वापस आई हैं, मेरे ख्याल से चंद दिनों के अंदर वो दोबारा से अपनी एक्टिविटी रिज्यूम कर लेंगी और आपको वो एक्टिव नज़र आएंगी। मेरे ख्याल से ये अभी एटलीस्ट ख्वाजा आसिफ साहब ने जो पार्लियामेंट में अल्फाज कहे थे खवातीन को लेकर, उस पर भी उनको कंडेम करना चाहिए था, मुस्लिम लीग नून की और खवातीन को कंडेम करना चाहिए था, आप जैसे भी बाशऊर पढ़े लिखे लोगों को कंडेम करना चाहिए जो ख्वाजा आसिफ साहब ने किया।